मिस्टर सुबोध एडीजी, नमस्कार सर। नमस्कार सुबोध जी, और मेरी आवाज़ आप लोगों को सही से आ रही है? जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को सही से सुनाई पड़ रही है? ये बताइएगा कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। और आई होप कि आप लोग सभी की होली काफ़ी अच्छी बीती होगी और धीरे धीरे काम भी अब अप हो रहा है, तो सब कुछ सही चल रहा होगा और धीरे धीरे सब कुछ सही भी हो जाएगा, ठीक है? और बताइए, मेरी आवाज़ आप लोगों को सही से आ रही है ये बताइए। राम राम जी दीपांशु शर्मा जी, राम राम दीपांशु जी। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए। मेरी आवाज़ आ रही है दीपांशु जी आप लोगों को सही से? जो मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ आप लोगों को सही से आ रही है? नमस्कार सर जी, विमलेंद्र जी। नमस्कार विमलेंद्र जी। और आप सभी को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि वाईफम देखो इनाम जी तो कॉन्टेस्ट चल रहा है, 28 तारीख जो है बिल्कुल लास्ट डेट है, तो आपको जितना जल्दी हो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। 8 प्राइजेज है। फर्स्ट प्राइज़ है 5 MP का IP कैमरा है जेके विजन का। सेकंड प्राइज़ है आपका 8 चैनल का स्मार्ट पीओ स्विच। थर्ड प्राइज़ है 4 चैनल का स्मार्ट पीओ स्विच। फोर्थ प्राइज़ है वाईफाई PT कैमरा। 5th एंड 6th प्राइज़ है वो है आपका 4 MP का IP कलर व्यू कैमरा। और आपका 7th एंड 8th प्राइज़ है आपका 2.4 MP का कलर व्यू HD कैमरा, ठीक है, एनालॉग HD कैमरा। तो ये 8 प्राइजेज हैं, इसमें से कोई भी आपको मिलेगा लकी ड्रॉ में। 31 मार्च को मैं लाइव आऊँगा और आप सभी के सामने लकी ड्रॉ करूँगा। तो आप सबको जिनको भी पार्टिसिपेट करना है, मेरे 5 ई-बुक हैं, IP कैमरा बाइंग गाइड, एनालॉग HD बाइंग गाइड, हाउ टू ग्रोन सिस्टिव बिजनेस, हाउ टू मेक AMC, हाउ टू मेक CCTV कोटेशन, हाउ टू गेट AMC, ये 5 ई-बुक है। 299 एक ई-बुक का प्राइस है। जो भी ई-बुक आपको बाय करना हो आप मुझे मेल कर सकते हैं yourfreshmarket@gmail.com पर। आपको बाय करना है कोई भी एक ई-बुक, आप बाय करेंगे तो आप उसके साथ आपको एक कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग कोड मिलेगा। उस कोड के आधार पर 31 मार्च को मैं लाइव में आऊँगा और आप सभी के सामने लकी ड्रॉ करूँगा। जो भी किस्मत वाले होंगे उनको वो प्राइजेस मिलेगी। तो कुल मिला के ये कॉन्टेस्ट है और आई होप आप सभी को इस कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी मिल गई होगी। काफ़ी पहले से मैं बता रहा हूँ, 1 तारीख से मतलब 8 मार्च से मैंने टाइम दिया है, तो आप सभी को काफ़ी समय मिल चुका है। तो ऐसा कोई नहीं होगा जिनको पता नहीं होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है ज्वाइन करें, जितना जल्दी ज्वाइन करें इस कॉन्टेस्ट में। पहले भी मैंने TV LED TV दे चुका है, पावर सप्लाई आप सभी चुका है, काफ़ी चीज़ें दे चुके हैं और UNV के NVR और IP कैमरा भी आप सभी को मिल गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितने भी हैं जो भी हैं जितना जल्दी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, कस्टमर हो या टेक्नीशियन हो, सभी के लिए ये मान्य है। क्योंकि मेरे बाकी कॉन्टेस्ट जो भी हुए पिछले वो सिर्फ CCTV टेक्नीशियन के लिए था, तो इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है? अब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, बट थोड़ी क्लोज ज़्यादा है आवाज़, थोड़ी क्लोज ज़्यादा है। मैंने समझा सुबोध जी, या मेरे कैमरे थोड़े एक्चुअली इसमें जो दिखता है ना, ज़्यादा डिस्टेंस में करता हूँ तो मुझे दिखता कम है ना, तो उसके कारण मैं थोड़ा सा कैमरे को सामने में ले आता हूँ। सर, रिविजन F1 NVR कौन सा कैमरा बेस्ट होगा? F1 NVR कहाँ आ रहा है आप? मतलब F1 NVR तो नहीं, F1 आपका DVR है और उसमें हो सकता है कुछ IP कैमरे सपोर्ट करे आपका 1 MP या 2 MP के, बट F1 तो NVR नहीं आता। आप लोगों में से किसी ने सुना है तो बताइएगा। K सीरीज का NVR आता है, Q सीरीज का आता है, M सीरीज का आता है, I सीरीज का आता है, F1 तो नहीं आता, F1 तो नहीं आता। तो वो देख लीजिए आप, थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर सद्दाम जी आपने लिखा गलत है या लिखना कुछ चाह रहे होंगे बट टाइप कुछ और हो गया होगा। हैदर अली जी, हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं हैदर जी, आप बताइए। और DSS टेक्निकल जी, हेलो सोमनाथ जी, और बताइए कैसे हैं आप लोग। हेलो सर जी, हैदर अली जी। हैदर अली जी, कॉन्टेस्ट के बारे में अगर आपको पहली बार पता चला है तो प्लीज़ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए, आप सभी के लिए ही हो रहा है। मैंने कोशिश किया है कि आप सभी के लिए कुछ बेटर कर सकूँ। मुझे जो कंपनी जो भी प्रोडक्ट भेजती है मैं आप सभी को दे सकूं, एक तरीका मैंने बनाया है जिसके माध्यम से आप लोगों को वो प्राइजेस मिल सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे, जितना जल्दी हो आप ज्वाइन कर लीजिए। ईमेल आईडी आप सभी को पता ही होगा, yourfreshmarket@gmail.com। मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, ठीक है? अदरवाइज कल का वीडियो आप सभी ने देखा था, कल मैंने वायर को लेकर, आप होली नहीं खेले? नहीं, एक्चुअली होली बहुत कम ही खेलते हैं, क्योंकि होली में फैमिली के साथ, अपने बेटे के साथ मैंने खेला, और इसके अलावा मैं बाहर होली वगैरह कुछ नहीं, है ना?
सर PTZ में बजट कैमरा, PTZ में बजट कैमरा तो नहीं है बॉस, PTZ में हार्डली 20,000 से नीचे तो नहीं है। तो फिर से बताइए सर, मुझे अभी तक पता नहीं है इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हैदर अली जी, इसके लिए आपको मेरे किसी भी एक ई बुक को बाय करना है। मेरा जो ई बुक है, IP कैमरा बाइंग गाइड, एनालॉग HD बाइंग गाइड, हाउ टू ग्रो इन सीसीटीवी बिजनेस, हाउ टू मेक सीसीटीवी कोटेशन और हाउ टू गेट एम्स, ये 5 ई बुक है। पाँचों में से कोई भी ई बुक आप बाय करेंगे, एक ई बुक का प्राइस 299 है। आप बाय करेंगे, आप मुझे yourfreshmarket.deu@gmail.com पर आपको मेल करना होगा, मैं आपको QR कोड दूंगा, आप पेमेंट करेंगे, आपको ई बुक के साथ एक कॉन्टेक्ट ज्वाइनिंग कोड मिलेगा। उस कोड के आधार पर अब मैं 31 मार्च को लकी ड्रॉ करूँगा, ठीक है? तो ये कॉन्टेस्ट है, और चाहे तो आप 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। जितने भी ई बुक हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, प्लस दिसंबर 2024 तक जितने भी ई बुक आएंगे वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उसकी 1800 है, अब 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन आप लेते हो। अदरवाइज आप कोई भी एक ई बुक बाय कर सकते हो 299 प्राइस, ठीक है? इधर अली जी, आई होप कि आपने सुन लिया होगा। PTZ में बजट कैमरा, PTZ में बजट कैमरा तो नहीं है बॉस, PTZ में जो भी कैमरा है 25,000 से तो नीचे नहीं है, और उससे नीचे बजट कैमरा तो नहीं है। ऑप्टिकल जूम वाला आपको मोटराइज कैमरे मिल जाएंगे सस्ते में, बट PTZ में तो नहीं है। डिजिटल जूम में एक PT कैमरा है जो 10-11 हज़ार के अराउंड आता है, 2 MP और 4 MP का है, बट डिजिटल जूम है, ऑप्टिकल जूम नहीं है, ठीक है? PT कैमरा है, पेंटेल आप कर सकते हो, ठीक है? और आप सभी ने वो वाला वीडियो देखा था जिसमें मैंने CP+ के वायर और एक विजन के वायर को कुछ अल्टर तरीके से टेस्ट करके मैंने बताया था, क्योंकि वो जो तरीका है ना, जब कोई मशीन नहीं आया, जब कोई इक्विपमेंट से नहीं आए, तो उसी तरीके को फॉलो किया जाता था, और उससे क्लियर पता चलता है कि कैसे वायर में क्या क्या चीज़ें हो रही है। सर आपने मुझे 2 कोड सेंड किया, सोमनाथ जी मैंने लास्ट वाला जो कोड सेंड किया है वो मान लिया, गलती से मैंने पहला कोड सेंड किया था, तो लास्ट वाला जो कोड है वही आपका मान्य है, ठीक है? मैंने उसमें लिखा सॉरी करके मैंने टाइप किया था, सॉरी ये वाला कोड आपका है ना, तो वो ह्यूमन मिस्टेक था, तो वो ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि दिक्कत हो जाए आप सभी को, है ना? तो मैंने वो जो वायर वाला बनाया था वो एक अभी भी देखिए वो वायर मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, मैं वायर को देखता हूँ छू के, तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है। आफ्ताब अमनुल्ला जी, हिकविजन NXi K2 NVR16 चैनल IP, सर कहाँ पर मेल करना है? योर फ्रेश मार्केट, YOURFRESHMARKETDEO@gmail.com, ये ईमेल आईडी है। किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा कोई भी वीडियो देख लीजिए उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, ठीक है? आफ्ताब जी क्या लिख रहे हैं, हिकविजन NXi K2 NVR16 चैनल IP सेटअप के लिए कौन सा POE स्विच बेस्ट रहेगा, नॉर्मल POE स्विच या गीगा बिट POE स्विच, और कौन सा कंपनी का, हिकविजन का या TP Link का? हिकविजन का लीजिए, ठीक है? और हिकविजन का लीजिए अच्छा रहेगा। और नॉर्मल POE स्विच और गीगा POE स्विच, ये तो डिस्टेंस पे निर्भर करता है कि आपका डिस्टेंस कितना है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 100 मीटर्स के अंदर में, तो नॉर्मल POE स्विच लगाइए, बट ज़्यादा डिस्टेंस है तो गीगा POE स्विच आप लगाइए। बस मैंने आई थिंक POE स्विच वाला वीडियो पे ये सारी बातें क्लियर की है, तो आई थिंक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें जो है मैंने क्लियर किया था, ठीक है? अच्छा, वायर वाला वीडियो आपने तो देख लिया होगा, और एक और वीडियो मैंने आप सभी को मैंने अपलोड किया था, उसके बारे में शायद मैंने बात नहीं की, जो K2 वाला जो अपडेट आया है, K2 के बारे में मैंने बनाया था, उसको आप सभी ने देखा होगा कि एक्यूसेंस का K1 और K2 और K4 में कितना बड़ा डिफरेंस है, और मार्केट में अवेयरनेस नहीं है, मार्केट में बस इतना ही पता है कि एक हार्डडिस्क सपोर्ट करता है, 4 हार्डडिस्क, तो मुझे भी इतना ही पता था, बट जो भी अपडेट आई, जो मैंने देखा, तो मैंने तुरंत वीडियो बनाया, क्योंकि अब तक तो यही चीज़ें चलती आ रही है कि K1 है तो 1 हार्डडिस्क, K2 है तो 2 हार्डडिस्क, K4 है तो 4 हार्डडिस्क, बट फ्यूचर में फर्मवेयर अपडेट और हार्डवेयर के डिफरेंसेस जो हैं वो थोड़े अलग होंगे, ये नहीं पता था। तो इस पर कुछ हिंट तो मिला था मुझे,
कुछ रिसर्च मैंने किया था, कुछ हिंट तो मिला था, बट अब तक ये चीज़ें एक्सपीरियंसेस में नहीं आई थी, मतलब एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। एक क्लाइंट ने मुझे भेजा कि सर ऐसा ऐसा केस है और ये कंडीशन है। फिर फर्मवेयर अपडेट का आपको पता है कि हमारे पास हिक प्रो कनेक्ट है, हिक पार्टनर प्रो, तो हिक पार्टनर प्रो से मैंने फर्मवेयर को चेक किया तो के सीरीज में जो फर्मवेयर है ना वो फाइनल फर्मवेयर है और उसमें आपका डुअल विषय नहीं है, स्मार्ट इवेंट सर्च का नहीं है, तो मुझे समझ में आ गया। और जब 32 का K2 वाले पे सारा चीज़ है तो K2 और K सीरीज में हार्डवेयर मतलब चिपसेट में डिफरेंस है। और फ्यूचर में जो अपडेट फर्मवेयर आए हैं अभी, ये तो अभी आए हैं और फ्यूचर में और भी फर्मवेयर अपडेट आएंगे, तो के वाले में होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, K2 K4 में होगा। तो मैंने सबको जितना जल्दी हो मैंने अपडेट देने की कोशिश की है। और थोड़ा आप लोग बताइएगा कि क्या ये अपडेट आप सभी को पहले से पता था? विमलेंद्र जी पता था आप सभी को पहले से? और पता था तो पहला तो मेरे से कहते हैं आप सभी ने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग फील्ड पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, मैं कुछ अलग एक्सपीरियंस करता हूँ, आप कुछ अलग एक्सपीरियंस करते होंगे, तो सबका तो अलग अलग एक्सपीरियंस है ना। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रवि जी, कैसे हैं बताइए? रवि जी आपने अभी तक कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं किया, अब आपको क्या चाहिए? अब तो फर्स्ट प्राइज़ LED TV भी आप जीत गए हैं और सब कुछ तो ठीक है, तो चाहूँगा कि आप ज्वाइन करें बस, और क्या ठीक है ना, चाहूँगा कि आप ज्वाइन करें और जितना जल्दी ज्वाइन कर लें। अब तो डेट 28 तारीख लास्ट डेट है। कोर प्रिक सीसीटीवी सिस्टम के बारे में बताइए सर जी, कैसा है? भाई साहब क्या बताऊँ मैं, एक्चुअली जो चीज़ आपने यूज़ नहीं की है उसके बारे में चीज़ें सोचकर समझकर चलने होती हैं। चाहे T&D हो, वो मैंने यूज़ नहीं किया, T&D के साथ क्या कंडीशन हो रहा है वो तो रवि जी जान ही रहे होंगे, वो तो आज से उनसे बात भी हुई। तो या T&D हो या फिर कोर प्रिक्स हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए कोर प्रिक्स के बारे में तो ये चीज़ है कि ऑनलाइन के बारे में बताया गया कि वो ऑनलाइन में नहीं है, ऑफलाइन पे करेंगे, बट ऑनलाइन है ना, बट ऑनलाइन ऑनलाइन में कोर प्रिक्स ने कहा था कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट नहीं होगा, बट अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट है। अब कोर प्रिक्स का कहना है कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट मैंने MRP पे प्राइस लिस्टेड है, आप लोगों को कम प्राइस मिलेगी, बट ऐसा थोड़ी है कि फ्यूचर में फिर नहीं होगा, कोई कंपनी फ्यूचर का कमिटमेंट तो नहीं करती। तो अब इंटरनल क्या है क्या नहीं है मैं बता नहीं सकता, क्वालिटी वगैरह जो भी चीज़ें हैं ठीक ठाक ही लगी है, बट डर लगता है कोई भी चीज़ के बारे में रिकमेंड कर देना बिना जाने बिना समझे बिना यूज़ किए। तो कोर प्रिक्स के बारे में जो बता रहे हैं या जिन्होंने वीडियो डाला है ना, जिन्होंने डाला था, तो वही बता सकते हैं, तो आई थिंक उनसे ही पूछिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कोर प्रिक्स के बारे में मुझे नहीं नॉलेज है और कोर सिर्फ ने मुझे नहीं ये किया है ना। और रही बात, अच्छा रवि जी लिख रहे हैं सर दिल्ली में T&D में जितना था जितना को जानता था सब ने काम छोड़ दिया। अब देख लीजिए एक नया चीज़ है, मैं इस बात को ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहता था बट रवि जी ने ही किया है, ये दिल्ली में है और T&D का काम करते थे, अब T&D के जितने भी सेल्स पर्सन थे उन्होंने छोड़ दिया, अब इनके पास T&D का कुछ भी नहीं है। अब बताइए कि अगर T&D के कोई प्रोडक्ट ख़राब होंगे तो ये कहाँ जाएंगे बताइए, या इन्होंने प्रमोशन किया होगा या किन्हीं को कोटेशन दिया होगा, अभी T&D प्रोडक्ट कहाँ से ले, सेल्स पर्सन ही चेंज हो गए। दिक्कत ये है कि कोई भी कंपनी जब किसी मार्केटिंग कंपनी के थ्रू आती है ना, फॉर्च्यून वाले इसको लाएँ, तो दिक्कत यही है। अब हिकविजन सेवी प्लस डवा जो है खुद इंडिया में है तो इसके काफ़ी सिस्टम है, बट जो कंपनी ट्रायल बेस पे आती है देखते हैं हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो भैया ख़त्म, तो मार्केटिंग कंपनी वाले ने कुछ एजेंसी ले ली, अब इंडिया में वो काम कर रहे हैं, अब सारे सेल्स टीम छोड़ दिए तो अब कहाँ जाए। ऐसा हमारे साथ यहाँ पर लोकल एरिया में स्पर्श में हुआ था, एक जो भी सेल्स पर्सन थे उनसे काफ़ी अच्छा परिचय था, स्पर्श का रेट वेट सब लिए, चलो ठीक है अब स्पर्श का भी आगे काम करेंगे, पता चला वो सीवी प्लस में ज्वाइन कर लिए, नहीं अब तो हम सीवी प्लस में आ गए हैं तो अब सीवी प्लस का कीजिए।
फिर पता चला कि वो प्रामा में आ गए, अब प्रामा में आ गए, नहीं सी प्लस छोड़ दिया, प्रामा में आ गए। लीजिए तो अब सी प्लस तो के बारे में तो पता है कि सिस्टम क्या है, बट टीआरडी के बारे में कहाँ जाए, डब्बा के बारे में पता है सिस्टम क्या है। चलो सेल्स पर्सन ने छोड़ दिया तो दूसरे तीसरे तरीके हैं, विजन के दूसरे तीसरे तरीके हैं, बट टीआरडी के बारे में कहाँ जाए। तो दिक्कत यही है, तो कोई भी नए ब्रांड के लिए काम जब करता है ना इंसान, तो थोड़ा सा ये एक चीज़ है। यही पर जब शुरुआत में एक विजन आए थे, तो एक विजन में जो सेल्स टीम थे उनसे कोई मैं जानता था, बट उनके थ्रू वो छोड़ दिए, वो आज किसी और कंपनी में, बात आज भी होती है, एक विजन का काम हम आज भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उस सेल्स पर्सन के छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कंपनी खुद टाइप की हुई है, तो सारा चीज़ है, कंपनी बड़ी बड़ी प्रमोशन करती है, तो ये सारी चीज़ है ना। तो पता नहीं टीआरडी के बारे में आप लोग बताइए कि क्या कंडीशन है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो जो बताया है रवि जी ने, मुझे बहुत ख़तरनाक लगा। वही एक्सपीरियंस हुआ जो मैंने कुछ सालों पहले स्पर्श के साथ किया था, और भी एक कंपनी थी हाई फोकस, बहुत मतलब हल्ला गुल्ला, ये है वो है, फलाना चिलाना ढिमकाना, जिसने किया वही गायब हो गया। अब कर लीजिए, क्या बेचना है, किससे बात करिएगा, कोई है ही नहीं। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, कंपनी एक बड़ी टीम के साथ नहीं आती है, एक सेल्स पर्सन के भरोसे जब रहिएगा तो भाई साहब ये दिक्कत होगा। भैया हिकविजन बेस्ट सेकंड लाइन आईपी कैमरा और इक्वेशंस कैमरा पर एक वीडियो बनाए। आफ्ताब जी आप मेरे वीडियो नहीं देखते, इट मींस इसका मतलब तो यही है। जनवरी में मैंने बेस्ट 24 आईपी कैमरे के बारे में वीडियो मैंने बनाया था, और वो देख लीजिए, जनवरी का। सेकंड लाइन के बारे में भी बनाया, थर्ड के बारे में भी बनाया, और इक्वेशंस के लिए बनाया। उसमें जो भी कैमरे मैंने सजेस्ट किए हैं, सेकंड लाइन के सजेस्ट किए हैं, इक्वेशंस के सजेस्ट किए हैं, चाहे कलर व्यू हो चाहे ब्लैक एंड वाइट है, तो वो वाला वीडियो देख लीजिए। 24 शायद 28 मॉडल या 24 मॉडल मैंने बताया था, तो वो देख लीजिए, दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ मैं अगर उतना मॉडल नंबर बैठ कर पढ़ना शुरू करूँ तो या तो आप नोट नहीं कर पाइएगा, या फिर समझ में नहीं आएगा, या फिर दिक्कत हो जाएगा। कोरप्रिक्स दिल्ली मेड ही है, बस नाम चेंज है, कोरप्रिक्स दिल्ली मेड ही है बट नाम चेंज है। तो आप तो एजेंसी ले रहे थे रवि जी, मैंने सुना कि आप एजेंसी ले रहे थे दिल्ली में कोरप्रिक्स का, कितना खर्च आ जाएगा आप पूछ रहे थे कोरप्रिक्स का, ऐसा थोड़ी कि मुझे नहीं पता रहता है कि कहाँ क्या कमेंट आपने किया। मैंने आपका कमेंट देखा था, कहाँ देखा था वो अब आप समझिए, बट मैंने देखा चलो यार कोरप्रिक्स का एजेंसी ले रहे हैं आप, कितना खर्च आ जाता है सर, कितना लाख रुपया लगता है, बस एक आइडिया ले रहा था। आपके आइडिया के चक्कर में कंपनी वाले खुश हो गए होंगे कि चलो दिल्ली का एक बंदा मिल गया। देखिए ठीक है, जिसको जो मिले है ना, 40 लाख लगाइए, 40 लाख लगाइए, 40 लाख रवि जी, 40 लाख लगाइए कोरप्रिक्स पे। मुझे नहीं लगता कोई कोरप्रिक्स पे 40 लाख लगाएगा। हाँ फ्यूचर में चीज़ें बदलेगी, बट आई थिंक मेरे हिसाब से फिर एक विजन है, डव्वा है, सीपी प्लस है, ये सब पे क्यों नहीं लगाए, जो रनिंग आइटम है, रनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। और बहुत ख़तरनाक कंडीशन है, मैं आपको बताऊं, कुछ प्रोडक्ट मैंने मैंने जो पर्सनल कंसल्टेंसी होते हैं, तो मैंने जो देखे हर के एरिया का रेट अलग अलग है, हो सकता है दिल्ली का अलग हो, गुजरात के अलग हो, मुंबई के अलग हो, मेरा झारखंड अलग है, तो मैंने प्राइस दिया जो, क्योंकि मैं मॉडल नंबर बताता हूँ और प्राइस देता हूँ। अब मैं जो मॉडल नंबर सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा से काम होता है ना, मेरा से काम क्या होता है कि आप जो है एरिया देख के मॉडल नंबर सजेस्ट कीजिए, मैंने मॉडल नंबर सजेस्ट किया, अब उससे अलग अलग जगह पर वो रेट लिए। अब मैं हैरान हो गया, मतलब इतने प्राइस का डिस्ट्रीब्यूटरशिप में यह हाल है। मैंने मतलब 50-100 रुपये भी मैंने मार्जिन शायद ही लिया होगा, बट उस पर मैंने देखा कि मैं क्या बताऊं कि लड़ाई हो रही है, नहीं कहते हैं मारा मारी हो रही है, तो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि ये क्या है, मतलब मार्केट का क्या हाल है, मतलब मार्केट कचरा है। तो इससे कचरा जो कंडीशन हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि क्या कैसे
इस मार्केट में लोग सर्वाइव कर पाएंगे? आप लोग कैसे सर्वाइव कर पाइएगा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता है। सर 40 लाख होते हैं तो बहुत ही अलग होती, बट मैं तो डर गया जब उनसे बात की। क्या कीजिएगा, 40 लाख तो मुझे नहीं लगता कि हिकविजन को भी ज़रूरत पड़ेगी प्रमा के ब्रांड स्टोर खोलने के लिए। 40 लाख तो नहीं चाहिए होंगे, कोई प्रमा का ब्रांड स्टोर नहीं खोल लेगा। बहुत तरह की चीज़ें हैं, अब देखिए मैं यहाँ बोलूँगा तो किसी और को बुरा लग जाएगा, अब बेवजह हो जाएगी। अब ऐसे मैं बैठे बैठा मैंने बहुत लोगों को अपना दुश्मन बना दिया, बेवजह बेवजह। तो सबकी आइडियोलॉजी अलग है, काम करने का तरीका अलग है। मुझे पता है कि मेरे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते, मुझे पता है कि मेरे वीडियो जो टेक्नीशियन देखते हैं उनको लाइक करना में भी दिक्कत होती है, मुझे पता है, क्योंकि दिखावे की दुनिया है ना। मैंने जो हिकविजन की वारंटी चेक वाली वीडियो मैंने बनाई, बता दीजिए हिकविजन वाले को भी पता है, बता दीजिए हिकविजन वालों को भी पता है। हिकविजन वाले मतलब छुपाते हैं, हिक पार्टनर प्रो ऐप में वारंटी चेक के बारे में मैंने बता दिया। फर्मवेयर कहाँ छुपा था आपने देखा वो वीडियो में, कहीं से भी अपडेट था फर्मवेयर का, बट फर्मवेयर कैसे अपडेट करें वो मैंने कहाँ पर छुपा हुआ था वो मैंने ढूंढ कर आप सभी के लिए निकाला। तो मुझे पता है कि टेक्नीशियन हो मेरे वीडियोज़ देखें, हाँ कस्टमर जो वो लाइक करते हैं कॉमेंट करते हैं ये मैं मानता हूँ, बट टेक्नीशियन जो रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं जो कहते हैं कि सर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा ये वो, वीडियो को मतलब पहली बार मैं देखता हूँ कॉमेंट, कभी वो लाइक करना पता नहीं, लाइक भी बहुत कम करते। बट आपने देखा होगा कि मैं जो वीडियो मैं अपडेट में लाता हूँ, चाहे K2 सीरीज के बारे में मैंने लाया या और भी फर्मवेयर या वारंटी को लेकर मैंने लाया, ये सारी यूनिक वीडियोस थे। भले वो रैंक की नहीं की, वो चली नहीं चली क्योंकि आप लोगों ने उसको शेयर नहीं किया नहीं किया, चलो जो भी हो, हार्ड डिस्क के बारे में भी मैंने जो भी चीज़ें बताई। तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि मेरी वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हो, कस्टमर के कितने पैसे बचे। पैसे खर्च करने के लिए चाह रहे कस्टमर 20-25 हज़ार खर्च करने को तैयार है कैमरा, मैं बताता हूँ क्योंकि मैं लाइव मैं बात करता हूँ कस्टमर से, उसको सही कैमरे देने वाले नहीं होते हैं, उनको सही प्रोडक्ट देने वाले नहीं होते। मैं जो मॉडल नंबर बताता हूँ लोग हंसते हैं कि क्या आप ले आए, सब आप कौन लगाता है, यहाँ सस्ते में तो इतना इतना काम हो जाता है। आज जब चोरी होती है तब वो कोई नहीं आता बॉस, जब किसी की बाइक चोरी होती है, किसी के आईफोन चोरी होते हैं, किसी की कार चोरी होती है, किसी का किडनैपिंग हो जाता है, जब फेस नहीं आता ना तो समझ में आ जाता है, आटे चावल का दाव जो भाव है वो सब समझ में आता है। तब मुझे कॉमेंट आता है सर किसी तरीके से फुटेज क्लियर कर दीजिए, मतलब बहुत स्थिति अलग है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ बॉस कि सही तरीके से सही सजेशन दे सकूँ, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि कर रहा हूँ और भगवान करे कि आप लोगों का कृपा हो तो मैं हमेशा करते रहूँ। पैसे तो चलो भाई हर कोई कमाता है, मैं कम कमाता हूँ, कोई ज़्यादा कमाता है वो अलग बात है, बट मैं कभी भी कोशिश ये नहीं करता कि ऐसा हो। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन मिले। हाँ इंसान है, थोड़ी बहुत गलती सबसे होती है, बट हमेशा चाहते हैं कि कुछ अलग हटके हो, और टेक्नीशियन पे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है, उनके बिजनेस पे ज़्यादा फोकस रहता है, वो बिजनेस कैसे ग्रो करे उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो बहुत सारी चीज़ मैं कस्टमर को हाइडन वे पे ही बताता हूँ, मैं डीपली नहीं बताता, तो कोशिश करता हूँ। बाकी देखिए धर्मनाथ जी हाय सर कैसे हैं आप, मैं काफ़ी दिनों से बिजी था, आज बहुत दिनों बाद आपका लाइव देख रहा हूँ। हाँ धर्मनाथ जी मैं खुद भी कंटिन्यू नहीं आ रहा हूँ लाइव इधर से, और आप सभी को पता होगा कॉन्टेस्ट का लास्ट डेट 28 तारीख है, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है, कोई भी एक ई बुक बाय करना है, 31 मार्च को लाइव में आके लकी ड्रॉ होगा,
और जिन लोगों को ज्वाइन करना है 299 का एक ई बुक है, 5 ई बुक है, ये पता ही होगा आपको। आई पी कैमरा बाइंग गाइड, एनालॉग एच डी बाइंग गाइड, हाउ टू ग्रो इंसेंटिव बिजनेस, हाउ टू मेक सेंटिव कोटेशन, हाउ टू गेट एमसी, इनमें से कोई भी ई बुक लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। 299 एक ई बुक का प्राइस है, उसके साथ एक कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग कोड मिलेगा और उस कोड के आधार पर मैं लकी ड्रॉ करूँगा 31 तारीख को। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था सर जी, विमलेंद्र जी। हाँ, कोशिश तो मैंने किया था विमलेंद्र जी, कमेंट भी आपका आया था। सुबोध एडी सर, हमारा ग्रुप हमेशा आपके साथ है, फुल सपोर्ट करते हैं हम लोग आपको, बस आप ही लोगों की दुआ रहती है तो कुछ कर पाते हैं, अदरवाइज तो जैसे चल रहा है कहते हैं धोबी घाट वैसे चल रहा है। आप लोग आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जितने लोग वीडियो देखते हैं तो अच्छा लगता है। सर लाइट रिफ्लेक्शन कारण फेस सही नहीं आ रही है, कौन सा कैमरा से रिप्लेस करूं? लाइट रिफ्लेक्शन के कारण आ रही है तो WDR कैमरा चाहिए होता है, WDR कैमरा, वाइड डायनेमिक रेंज वाला कैमरा, आईपिक में सेकंड लाइन में WDR आपको मिल जाएगा। WDR ऑन कर दीजिए तो ये जो ब्लैक फेस जो आ रहा है वो नहीं आएगा। सर आप मानोगे नहीं, मैं तो कस्टमर को इतनी अच्छी तरह से समझाता हूँ, बट कस्टमर को सिर्फ सस्ता चाहिए होती है। कई बार तो कस्टमर हमें बोल लेते हैं कि सब डिटेल में जान लेते हैं और ऑनलाइन या डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवा लेते हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं, और दिल्ली बदनाम है, दिल्ली के कस्टमर भी बदनाम है, दिल्ली के जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो भी बदनाम है। मतलब मैं हर जगह से मैंने बात की, बात करता हूँ, सब लोग कहते हैं कि दिल्ली वाले से भगवान बचाए, अगर दिल्ली वाले से बच गए तो कोई दिक्कत नहीं इस लाइन में। ये कहानी है, तो अपना रिपूटेशन दिल्ली वालों ने ख़राब बना रखा है। और दिल्ली वाले जो कस्टमर है ना, मैं रियली में बताता हूँ उसको, लेमन लैंग्वेज में देहाती भाषा में कहते हैं गलथेथरी, हम लोग गाँव में बोलते हैं, गलथेथरी नहीं बोलते हैं, मतलब इलॉजिकल तर्क करते हैं, लेना देना 22.5, और क्या बताएं जी, बोलने लगेंगे तो आप लोग हंसिएगा, है ना। तो दिल्ली वाले का भगवान भला करे, तो हो ही रहा है, दिल्ली वाले का कितना भला हो रहा हो तो देख ही रहे हैं ना, दिन भर में सांस लेते हैं तो बिना सिगरेट पिए सिगरेट का धुआं अंदर जाता है। तो दिल्ली वाले, ऐसा नहीं कि दिल्ली में पॉल्यूशन गवर्नमेंट के कारण ही हो रही है या पराली जलाने से ही हो रहा है, दिल्ली वाले कितना महान है वो आप देख लीजिए। तो दिक्कत है दिल्ली के में, सोच में प्रॉब्लम है, कस्टमर में तो हो गई, ये पर्सनली ये मैंने फील किया, वहाँ के लोग की सोच में प्रॉब्लम है और उसका खामियाजा दिल्ली को भी भुगतना पड़ रहा है, और वहाँ के कस्टमर हो या मतलब क्या मैं बताऊँ, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो बड़ा अजीब लगेगा। कुछ लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, खुद परेशान हैं, बट भाई साहब मैं तो यहाँ पर देखता हूँ कि एक भोपाल से कस्टमर थे, आज बात हुई, वो बेचारा हाई एंड के सीरीज लेने को तैयार हैं, पैसे देने को तैयार हैं, उसको देने वाला तैयार नहीं है। तो कहीं पर प्यासा है उसको कुआं मिल नहीं रहा, और कहीं पर जो है कुआं है तो उसको पानी पीने वाला नहीं, अजीब समस्या है, तो ये तो है। चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी रात हो गई, फिर मिलते हैं कल, कोशिश करेंगे कुछ अच्छे टॉपिक पे वीडियो में बनाऊं। और आप सभी को जाते जाते एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जो कॉन्टेस्ट है जितना जल्दी हो पार्टिसिपेट कर लीजिए, और फ्रेश मार्केट DU@gmail.com पर मेल करके मेरे 5ों में से कोई भी एक ई बुक बाय करेंगे तो आपको एक कॉन्टेस्ट का ज्वाइनिंग कोड मिलेगा, और उस कोड के आधार पर 31 मार्च को लकी ड्रॉ होगा, ठीक है। और 8 प्राइजेस हैं, उसमें से कोई भी एक प्राइस आप जीत सकते हैं। ओके, गुड नाइट आप सभी को।